भी जहरीला सांप होता है वो हमारे पर्यावरण मित्र है, हमारा मित्र नहीं है। जो भूअर जो है कि हमारे छपरा जिला से थे, वो सांप को जो है कि मित्र समझ बैठे, जिसके कारण जो हादसा हुआ वो भूलने वाला है नहीं, जो आप लोग भी जानते हैं। इसलिए आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ कि सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, हमारा मित्र नहीं है। इसलिए जब विषैला सांप हो तो उससे जो है कि केयरफुल्ली और सावधानी पूर्वक जो है कि रेस्क्यू करने की जरूरत है। चलिए नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग जो है मिठनपुरा में आए हुए हैं और इनके घर में कोई सांप छुपा है, लेकिन पता नहीं कि कौन सा सांप विषैला या विषहीन है, सर्च करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जल जमाव के कारण जो है किसी यहाँ पे पूरा में जो है कि निचला स्तर पे जो है कि जल जो है कि पूरा भर गया है, जिसके कारण जो है कि सांप सब जो है कि अब ऊंचला स्तर पे जो है कि आना चालू हो गया है। इसलिए आप लोग जो है कि ऊंचा स्तर पे जो भी है उनको जो है कि ब्लीचिंग पाउडर का हमेशा छिड़काव करना चाहिए। चलिए आइए सर्च कर देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप इनके घर में छुपा हुआ है। आइए, तब तक आप मेरे वीडियो पे बने रहे। वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल स्नैक रेस्क्यू मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आ जाइए मुन्नी जी, इधर देखते हैं। आ जाइए इधर। पता चल गया। और ये सांप जो है कि अभी ठीक से दिख नहीं रहा है, कोबरा है या फिर रेड स्नैक है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि आखिर कौन सा सांप है। आप मुझे जो है ना कि एक डब्बा जो है कि कैसा डब्बा, एक चॉकलेट का बड़ा डब्बा होता है ना, नहीं बाल्टी से नहीं हुआ। और चलिए ठीक है, इसको हम लोग सही सलामत पहले जो है कि रेस्क्यू कर बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सांप है। और हम लोग सांप बचाने वाले लोग हैं तो हम लोग को सावधानी से जो है कि स्नैक रेस्क्यू करना चाहिए, ताकि जो है कि अगर हम बचे रहेंगे तभी जाकर जो है कि सांप भी बचा रहेगा, अन्यथा अगर हम लापरवाही करते हैं, कैजुअल होते हैं तो दिक्कत जो है कि हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है कि जो लोग स्नैक रेस्क्यू करना जानते हैं वही लोग जो है कि ऐसा काम करें, अन्यथा इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पता ही है रक्षाबंधन के दिन हमारे कहाँ से कहते हैं ये मनमोहन जी छपरा से जो है कि सांप के काटने से बाइट किया, तो आज उनका उनका देहांत भी हो गया, बहुत दुख की बात है। इसलिए सांप जब भी रेस्क्यू करें तो सावधानी से करें। और टोंग मेरा है, और मनी जी टॉर्च दिखाइए मुझे इधर। ऐसे ये सांप मुझे रेड स्नेक दिखाई दे रहा है, धामिन दिखाई दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे घोड़ा पछाड़ भी सांप बोलते। चलिए हम लोग बाहर निकाल कर लाते हैं, उसके बाद आप लोग को विशेष दिखाते हैं। ये भारी बहुत है, चलिए इधर से हम लोग टोंग से पकड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर ले, बड़ा करने के बाद फिर दिक्कत होगा। एक मिनट, हम लोग बाहर लेकर चलते हैं। और चलिए आ जाइए बाहर, आ जाइए आप लोग। इससे आ जाइए बाहर, आ जाइए। और इस सांप को हम लोग जो है कि इस सांप को हम लोग धामिन सांप बोलते हैं, रैट स्नेक। हाँ, और आ जाइए, आ जाइए ना बाहर, आ जाइए। और ये सांप में जो है ना कि थोड़ा सा भी विष नहीं होता है, ये ननबेरे में सांप है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ननबेनेमस है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा भी विष नहीं है, नहीं डर लगता है। हाँ, डर लगता है। और लोग जो झूठ मूठ के बोलते हैं कि इसको पूछ में विष होता है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। हाँ, ये लोग जो बोलते हैं कि पूछ से मार देता है, वैसा बात नहीं होता है। और ये देखिए, ये हमारा जो है कि पैर को जो है इधर से मन लीजिए, तो इस सांप को जो है कि हम लोग रेड स्नेक कहते हैं। और ये सांप में थोड़ा सा भी विष नहीं होता, ये ननबने में सांप है, ये पर्यावरण हमारा मित्र है। लेकिन जो कोबरा सांप होता है, जो हम लोग आप लोग को बार बार बताते हैं, कोबरा सांप या कोई भी जहरीला सांप होता है वो हमारे पर्यावरण मित्र है, हमारा मित्र नहीं है। जो भूअर जो है कि हमारे
छपरा जिला से थे, वो सांप को जो है कि मित्र समझ बैठे, जिसके कारण जो हादसा हुआ वो भूलने वाला है नहीं, जो आप लोग भी जानते हैं। इसलिए आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ कि सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, हमारा मित्र नहीं है। इसलिए जब विषैला सांप हो तो उससे जो है कि केयरफुल्ली और सावधानी पूर्वक जो है कि रेस्क्यू करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना, इसलिए हम लोग भी उसको डिस्टर्ब नहीं चलिए करते ठीक हैं। है, इस सांप को जो है कि हम लोग सही सलामत जो है कि रेस्क्यू कर लिए हैं, और सही सलामत इसको हम लोग जंगल में जाकर छोड़ देंगे। और वीडियो मेरा पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ से आ जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आप चले जाइए। इसको सही सलामत इसको रेस्क्यू कर लिया गया है। वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।